क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है कि लोगों की 30 साल की उम्र क्रॉस होती नहीं कि लोगों के चेहरे में एक्ने की दिक्कत हो जाती है, 40 साल का उम्र क्रॉस होते होते लोगों के आंखों में कैटरेक्ट जैसे बड़ी दिक्कत देखने में आ रही है, आज उम्र के बहुत ही पहले पड़ाव में लोगों में डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी दिक्कत हो रही है, क्यों ऐसा होता है, बच्चे के जन्म होते ही उसे थायराइड जैसा गिफ्ट उसे मिल जाता है, इसका एक ही कारण है, वो है यू आर व्हाट यू ईट। जी हाँ, आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं। तो आप क्या खाते हैं या हमें क्या खाना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मेरा नाम अनूप अग्रवाल है, मैं एक फैमिली वेलनेस कोच हूँ और आज आपके साथ में मैं बात करने वाला हूँ यू आर व्हाट यू ईट के बारे में। नंबर वन, आप गाजर का हलवा खाते हैं या गाजर खाते हैं। इंसान के शरीर को चलाने के लिए हमें असेंशियल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिसे पोषण कहते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है, हर एक खाना पोषण नहीं होता, लेकिन हर एक पोषण वाला खाना इंसान के शरीर के लिए जरूरतमंद खाना जरूर होता है। इसलिए गाजर खाते हैं आप या गाजर का हलवा खाते हैं, इसमें बहुत फर्क है। गाजर से हमें असेंशियल न्यूट्रिशन मिलते हैं और गाजर के हलवे से हमें कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा, आप स्ट्रेस क्या खाते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस खाते हैं या नेगेटिव स्ट्रेस खाते हैं। क्या स्ट्रेस लेना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर हम पॉजिटिव स्ट्रेस लेते ही नहीं तो जब हमारे पीछे कुत्ते भागते हैं तो हम कभी भी वहां से नहीं भाग पाते। लेकिन हमें ये चेक करना है कि हम पॉजिटिव स्ट्रेस ज्यादा खाते हैं या नेगेटिव स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। जब भी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्ट्रेस अपने शरीर को दे रहा होता है तो उसके शरीर का जो वेस्ट लाइन है, कमर का जो घेराव है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शरीर के अंदर में गलत तरीके के वाइब्रेशंस और एनर्जी का उत्पादन होता है, जिसके वजह से शरीर को इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से बहुत क्षति पहुंचती है। तीसरा, आप पानी पीते हैं या पानी खाते हैं। हम सभी को पता है पानी अच्छे से पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, लेकिन गलती क्या होती है, पानी जब पीना चाहिए तब नहीं पीते और जब नहीं पीना चाहिए वहां पे बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। खाना खाने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, खाने के पहले या खाने के बाद पानी नहीं पीते। अगर हम सही तरीके से पानी का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो शरीर के अंदर के जो पुर्जे हैं, हमारे गाड़ी के जो पुर्जे हैं, जो सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा शरीर कभी भी अच्छा शरीर नहीं बन पाता। चौथा, हमें ये चेक करना है कि मैं वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाता हूँ, नॉन वेजिटेरियन फूड का ज्यादा चयन करता हूँ या वेगन फूड का ज्यादा सेवन करता हूँ। आपका इंटरेस्ट है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन रियलिटी क्या है, अगर कोई व्यक्ति नॉन वेज फूड बहुत ज्यादा खा रहा है तो उसके शरीर को उस नॉन वेज को पचाने के लिए 3 से 4 दिन तक का समय लग जाता है, यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर की हड्डियों की खून भी यूज हो जाती है, जिसके वजह से शरीर कभी भी एक अच्छा शरीर बन ही नहीं पाता। नॉन वेज फूड का सेवन करना हमारे शरीर के पर्सनालिटी के इमोशंस को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को, गलत कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में सपोर्ट कर देता है। इसलिए आपको चेक करना है कि आप किस चीजों को खाते हैं जिससे आपका शरीर बनता है, और आपको ये कमेंट जरूर से करना है, आने वाले साल में आप कौन से फूड का चयन अपने शरीर के लिए करने वाले हैं। थैंक यू।